हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी। डीसीएम में अपन इनऑर्गेनिक के 15 क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, सीओ बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मिनिमम बॉन्ड लेंथ बतानी है। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो इसमें एक चीज का सिंपल सा ध्यान रखना है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड ऑर्डर। कहने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर का आपको पता चल गया तो बॉन्ड लेंथ का पता चल ही जाएगा। तो CO2 में अगर देखें इसकी स्ट्रक्चर, तो साफ साफ पता चल रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, टू आ जाएगा। HCHO की बात करें, इसकी स्ट्रक्चर बना के देख लो, तो यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में टोटल कितने बॉन्ड है, तीन। तो नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी है, ये नेगेटिव यहां आ जाएगा तो ये यहां पे पास हो जाएगा, तो ऐसे में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी आ गई, दो। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.0। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर सबको पता है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कितने है, तीन है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर एक ही है, तो ऐसे में इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3.0। अब बात करें CO प्लस की, तो बेसिकली इसके लिए तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहिए, डाई एटोमिक स्पीसीज है तो MOT से निकालेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करके देखते हैं इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 13। तो सबसे पहले CO का बनाएंगे अपन, तो CO का बनाते हैं तो क्या होता है, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s*2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s*2, सिग्मा पाई 2px2 पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे CO में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन थे। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग माइनस करते हैं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2, 2, 4। तो यहां से बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, तीन, स्ट्रक्चर से भी कितना आया था, तीन। CO प्लस का देखना है तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं निकलता, इलेक्ट्रॉन निकलता है एंटी बॉन्डिंग से, और जब भी एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तीन से ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, तो आंसर आपका क्या रहेगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, फाइंड द मॉलिक्यूल विद द मैक्सिमम डाइपोल। मैक्सिमम डाइपोल किसका है, डाइपोल मोमेंट की बात ये यहां पे कर रहा है, म्यू की बात ये यहां कर रहा है। तो देखिएगा NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नाइट्रोजन का SP3। अगर स्ट्रक्चर बनाए इसकी तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, तो लोन पेयर की वजह से मॉलिक्यूल पोलैरिटी ऊपर की तरफ आएगी। बॉन्ड पोलैरिटी देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्ड पोलैरिटी है वो किधर की तरफ जा रही है, नाइट्रोजन की ओर। इसका मतलब बॉन्ड पोलैरिटी और मॉलिक्यूल पोलैरिटी एक ही डायरेक्शन में दोनों जुड़ जाएंगे, इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट बढ़ने वाला है, जीरो तो होगा नहीं लेकिन ज्यादा होगा, ठीक है। NF3 की बात करें तो इसमें भी नाइट्रोजन का SP3 हाइब्रिडाइजेशन है, यह इसका लोन पेयर आ गया, फ्लोरिन फ्लोरिन या फ्लोरिन। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, तो मॉलिक्यूल पोलैरिटी तो लोन पेयर की वजह से ऊपर हो गई लेकिन बॉन्ड पोलैरिटी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका अपोज करेगी, और इसका अपोज करने की वजह से क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, अभी तक तो NH3 का ज्यादा है, NF3 हट गया। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं NBr3 की, तो वही SP3 हाइब्रिडाइजेशन है NBr3 में, ये आपका लोन पेयर आ गया, ब्रोमीन ब्रोमीन एंड दैट ब्रोमीन। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 है और इसकी 3.0 है, राइट, तो बॉन्ड पोलैरिटी ऊपर की तरफ जाएगी, यहां पे भी ऊपर की तरफ जाएगी, तो एक ही डायरेक्शन में लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस यहां है, तो ज्यादा डिफरेंस है तो बॉन्ड पोलैरिटी यहां ज्यादा है और वो भी ऊपर की तरफ है, इसका साथ दे रही है, तो इन दोनों में भी कंपैरिजन करें तो NH3 का ही ज्यादा है। CO2 में देखा जाए SP हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर स्ट्रक्चर होगी, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इधर होगी बॉन्ड पोलैरिटी, इसकी वजह से इधर होगी, और ये इक्वली है, कैंसिल आउट कर देंगे तो इसका म्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कौन सा आ जाएगा,
फर्स्ट आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द पेयर विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। पेयर में देखना है कि सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता हो। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, NH3। तो NH3 में आपने अभी देखा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोवेलेंट एटम है वो जोड़ लो, 2 का डिवाइड कर दो, आ गया 4। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। NO2 की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गए 4, साइड एटम ऑक्सीजन होता है उसको ऐड नहीं करते, नेगेटिव को ऐड कर दिया 5, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5, एक नेगेटिव है ऐड कर दो 2, तो कितना आ जाएगा 3, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन पूरे पेयर में sp2 होना चाहिए, तो यहाँ sp3 आ गया, यहाँ sp2 आ गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसके पास आए तो जब भी फ्री रेडिकल हो तो हमेशा याद रखो अगर साइड एटम ऑक्सीजन और फ्लोरीन है तो फ्री रेडिकल काउंट करते हैं, नहीं तो काउंट नहीं करेंगे। तो साइड एटम यहाँ हाइड्रोजन है तो फ्री रेडिकल यहाँ काउंट नहीं होगा। कहने का मतलब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, हाइड्रोजन की नंबर काउंट कर दो डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 3.5। साइड एटम हाइड्रोजन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा, तो इसमें से 0. माइनस माइनस कर दिया 0.5, तो ये आ गया 3.0, और 3 आने का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसका भी आपको अभी निकाला था sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। फिर बात करें CF3 की, तो साइड एटम फ्लोरीन आ गया, तो सेम कैलकुलेशन चलेगा, लेकिन यहाँ पर साइड एटम फ्लोरीन होने से फ्री रेडिकल को भी काउंट करेंगे। तो 3.5 में इस बार प्लस 0.5 करना पड़ेगा, 4 आ जाएगा, 4 आते ही इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 चला जाएगा। इसका अपन ने अभी निकाला था sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी गया, आंसर अपना ये हो गया। यहाँ पे देखा जाए H2O sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एमाइड इसका भी आप में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। फाइंड द सक्सेसिव ऑफ द पीरियोडिक टेबल विद आयनाइजेशन एनर्जीज। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी दी है और वो कैसी है, सक्सेसिव है, तो बस इसमें भी ज्यादा कुछ करना नहीं है अपने को, रेस्पेक्टिवली देखना है किसका क्या हो। तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे देखा जाए इनमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, L2R चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन पेनिट्रेशन की वजह से बोरोन की बजाय बेरिलियम की ज्यादा हो जाती है, तो सेकंड वाला डेटा बड़ा होना चाहिए था, यहाँ पे फर्स्ट डेटा बड़ा है, तो ये गया। इनमें से देखा जाए सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इसकी होती है, तो सेकंड डेटा बड़ा होना चाहिए था लेकिन फर्स्ट डेटा बड़ा है यहाँ पे, तो ये भी गया। बिल्कुल सिंपल है इनको पहचानना, बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन। अगर बात करें तो L2R जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, तो बोरोन से ज्यादा कार्बन का, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, तो थर्ड वाला डेटा बड़ा होना चाहिए था इस हिसाब से, तो ये भी गया। यहाँ जाओ इनमें सबसे ज्यादा किसकी होती है, हीलियम, फिर लिथियम और बेरिलियम में से किसकी ज्यादा होती है, बेरिलियम, तो सबसे बड़ा डेटा हीलियम को मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, और लिथियम से बड़ा डेटा बेरिलियम को मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, तो ये किसके लिए करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। विच वन द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पे देखो सारे के सारे मेटेलिक ऑक्साइड है, और मेटेलिक ऑक्साइड जनरली आपके कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। इनमें से ये एक Al2O3, ये आपका कैसा आ गया, एम्फोटेरिक, राइट। बाकी तीनों कैसे हैं, बेसिक है, तो बेसिक के पास एसिडिक करेक्टर कम होगा, एम्फोटेरिक के पास दोनों करेक्टर होते हैं और फिर आपके एसिडिक आए जाएंगे, तो यहां पे आंसर कौन सा आ जाएगा, मोस्ट एसिडिक में एम्फोटेरिक वाला आ जाएगा। अगर मान लो सारे बेसिक होते तो क्या करते, वहां पे बेसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख देते, और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखने के बाद में उसका अपोजिट ऑर्डर किसका बन जाता, एसिडिक स्ट्रेंथ का बन जाता, राइट। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ लेविस एसिड। यहाँ पे लेविस एसिड के पेयर दिए गए हैं जिनमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है, ये बड़ी बात है भाई, ऑर्डर कैसा देखना है, डिक्रीजिंग देखना है। तो वैसे तो क्या होता है, लेविस एसिड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो चाहे सेंट्रल एटम हो चाहे साइड एटम हो। अब अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो किसका होना चाहिए था, BF3 का, फिर BCl3 का, और फिर BBr3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस पे, तो ये सिक्वेंस होना चाहिए था, लेकिन भैया ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बैकबॉन्डिंग आ गई यहाँ पे,
बैक बॉन्डिंग क्या करता है, वैकेंट ऑर्बिटल में ही तो होती है ना बैक बॉन्डिंग, एक के पास लोन पेयर होता है, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो वहां बैक बॉन्डिंग होती है। तो वैकेंट ऑर्बिटल कंपनसेट हो जाता है वहां पे बैक बॉन्डिंग की वजह से, और वैकेंट ऑर्बिटल कंपनसेट हो गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसके पास लोन पेयर गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो उसकी लेविस एसिडी की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। लेविस एसिडी की स्ट्रेंथ क्या है, लोन पेयर गेन करने की नेचर। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बैक बॉन्डिंग का सिक्वेंस देखना है। तो BF3, BBr3 और ये आपका आ गया BCl3, जिसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी उसके अंदर क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, उल्टे चलते हैं एक दूसरे से। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ये याद रखो, लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ, लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है बैक बॉन्डिंग के, और बैक बॉन्डिंग होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज ऑफ ऑर्बिटल के। तो सेंट्रल एटम तो सेम है, साइड एटम की साइज देखा जाए, एक मिनट इसको यूं कर लो, ये बी सी एल थ्री आ गया और ये आपका बी बी आर थ्री आ गया। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग में 2p इन्वॉल्व होने वाला है, यहाँ बैक बॉन्डिंग में 3p और यहाँ पे 4p। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑर्बिटल की साइज बढ़ रही है। तो ऑर्बिटल की साइज बढ़ने का मतलब है बैक बॉन्डिंग कम हो रहा है, और बैक बॉन्डिंग कम हो रहा है मतलब लेविस एसिडी की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर देखना था, तो आप इसका ऑर्डर यहाँ है, यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। SS बॉन्ड प्रेजेंट इन विच ऑफ द आयन पेयर्स, यहाँ पे पेयर्स दिए गए हैं जिनमें आपको SS लिंकेज आइडेंटिफाई करना है। तो पहला देखो, पायरो एसिड से दिया गया है, तो यहाँ पे देखा जाए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, पायरो लिंकेज होगा, डबल बॉन्ड O-, तो यहाँ पे SS लिंकेज नहीं है। दूसरे के बाद देखें तो इसकी स्ट्रक्चर बना के देख लो, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड से ही आया है, तो जब भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो उसको अगर ऑक्सीजन रिप्लेस कर देते हैं किससे, सल्फर से, तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है। तो यहाँ पे वो आयन है, उनके आयन की स्ट्रक्चर बना के देखनी है, डबल बॉन्ड ओ था, वहाँ पे एक सल्फर आ जाएगी, फिर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, O- है, O-। कहने का मतलब इसमें SS लिंकेज प्रेजेंट है, लेकिन पूरे पेयर में देखना है, इसमें था नहीं तो ये वाला भी कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं ना SS लिंकेज, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब इधर आते हैं इसके पास, तो इसमें भी ये देखो ये आ गया, यहाँ पे भी SS लिंकेज नहीं होगा, इसमें SS लिंकेज है, इसका और देख लेते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर देखे तो इसमें बिल्कुल आसान है, कहने का मतलब यहां पर SS लिंकेज प्रेजेंट है। इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए तो बीच में से दो सल्फर हटा देना, इनको डायरेक्ट आप अटैच कर देना, थायोनिक एसिड से ही आया है, तो यहां पे भी SS लिंकेज है लेकिन इसमें नहीं था, तो दोनों पेयर में कहां है SS लिंकेज, इसमें। तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। यहां पे ब्रिज ऑक्सीजन एटम देखने, तो बस स्ट्रक्चर आपको इसकी ध्यान में होनी चाहिए, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन। अगर P4O6 आता तो उसकी स्ट्रक्चर ये थी, यहां पे P4O10 है तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ता है। ब्रिज देखना है आपको, तो ब्रिज ऑक्सीजन एक तो ये हो गया, दो तीन चार पांच और छह ब्रिज ऑक्सीजन हो जाए, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज ऑन हीटिंग विच ऑफ द कंपाउंड्स, तो सबसे पहला कंपाउंड है आपका अमोनियम डाइक्रोमेट। तो अमोनियम डाइक्रोमेट देखो, हमेशा ध्यान रखना, अमोनियम सॉल्ट को जब भी आप हीट करोगे अमोनियम निकलेगी। अब देखेंगे उसमें एनायन क्या है, अगर एनायन का पार्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऐसे में अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वहां से N2 बन जाएगी, क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, जब इसको हीट करेंगे तो N2 बनेगी, Cr2O3 बन जाएगा, H2O बन जाएगा। कहने का मतलब यहां से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, ऑक्सीजन बनेगी लेकिन वो यहां कंज्यूम हो जाएगी, राइट। तो इसमें बाकी इसकी देखा जाए तो जितने भी उच्चतर ऑक्साइड है, ठीक है, या हायर ऑक्सीजन कंपाउंड है, उनको जब भी हीट करोगे ना
तो उनमें से ऑक्सीजन निकलता है। जैसे इसको हीट करो तो क्या बनेगा, क्रोमेट बन जाएगा, Cr2O3 बन जाएगा और ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ZnCl3 की। ZnCl3 की यहां से बात करें, ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड है, इसको भी हीट करोगे तो ZnCl2 बन जाएगी और O2 यहां से निकल जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, वही बात, हायर ऑक्सीजन वाला कंपाउंड आ गया, इसको हीट करो। इसका कंपोजिशन देखो, ये मिक्स ऑक्साइड है, ये आपका PbO2 और PbO से मिलके बना है, क्लियर। तो इसको अगर आप हीट करोगे तो ये 3 PbO में चला जाएगा और ये टूट करके आपको ऑक्सीजन देने वाला है, तो आपके फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, द टेंडेंसी टू लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली बाय एल्कलाई मेटल्स मेक देम। एल्कलाई मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, वो कौन सी नेचर बताते हैं, रिडीजिंग, क्योंकि जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो उतना ही अच्छा रिडीजिंग एजेंट होगा, तो स्ट्रॉन्ग रिडीजिंग एजेंट को ये शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। गोल्ड स्मिथ एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस होती है उसमें थर्माइट मिक्सर का पूछा है, ये याद रखने जैसा है, हमेशा याद रखो थर्माइट मिक्सर में क्या होता है, Fe2O3 यहां पे रिडीजिंग एजेंट का काम कौन करता है, एल्यूमिनियम, तो क्या हो जाएगा, Fe बन जाएगा, बैलेंस नहीं कर रहा हूं रिएक्शन को, Al2O3 और हीट निकलती है बहुत क्वांटिटी में, वेल्डिंग करने के काम में आती है ये रिएक्शन, उसमें थर्माइट मिक्सर काम में लिया जाता है, जिसमें ये 3:1 में होता है, 3 पार्ट फेरिक ऑक्साइड के होते हैं, एक पार्ट एल्यूमिनियम का होता है, तो अपना फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल जीआई दे सकते हैं, तो सेंट्रल मेटल ये लिगेंड है A4, 4 सेम लिगेंड है, ये अलग आ गया तो B2, और आपको पता है MA4B2 टाइप के दो जीआई देते हैं, एक सिस और एक ट्रांस, आपने प्रैक्टिस की है इस चीज की। यहां से अपन बात करें इसकी, तो ये आपका ये मेटल आ गया, जब भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होता है उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, कितने लिगेंड हैं, 2, ये अलग आ गया B2, तो आपको पता है ये भी देगा, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स भी दो जीआई देते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। इसकी बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहां पे देखा जाए तो MA5B ये वाला जीआई नहीं दे सकता, क्योंकि यहां पे सिस और ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है, हर स्ट्रक्चर के अंदर बी ऐसे सिस पे भी रहेगा और ट्रांस पे भी रहेगा, स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होंगी सारी, तो ये वाला जीआई नहीं देगा। आपको पता है प्लेटिनम जो आ गया इसके पास तो वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, यहां तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे रखे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसका, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, और DsP2 वाले आपके हमेशा याद रखना ज्योमेट्रिक आइसोमर देते हैं, बस कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तो मेटल A2 और B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो एक सिस देगा और एक ट्रांस देगा, राइट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एन एलाइन सॉल्यूशन गिव्स व्हाइट पीपीटी विद AgNO3, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे पहले तो ये देखो कौन सा दे सकता है, तो अगर AgNO3 की AgNO3 से रिएक्शन करेगा तो दोनों में नाइट्रेट आयन सेम है, तो सवाल ही नहीं उठता यहां से पीपीटी का। यहां पे भी एनायन नाइट्रेट आयन है, तो यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी भी, तो क्या पता चलेगा, यहां पे भी नहीं बनने वाली है पीपीटी। यहां पे बात करें अगर मैं इसमें AgNO3 मिलाऊंगा तो क्या होगा, AgNH3 2NO3 + AgCl, ये व्हाइट पीपीटी आ जाएगी। यहां पे भी AgBr बनेगा लेकिन वो येलो पीपीटी होगी, व्हाइट पीपीटी की बात की है, तो आंसर तो अपने को यही मिल गया, ठीक है। और डिजोल्व इन विद डाइल्यूट अमोनिया, तो डाइल्यूट अमोनिया में डिजोल्व होता ही है, इसकी बात कर रहा था, क्लियर। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीज सल्फेट इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट व्हेन इट कन्वर्टेड टू, ये कह रहा है मैग्नीशियम सल्फेट किसमें कन्वर्ट होने पर इसका जो इक्विवेलेंट वेट है उसके मॉलिक्यूलर वेट का हाफ हो जाए, और आपको पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, तो जिसके लिए एन फैक्टर 2 आ जाएगा
वहां पे इक्विवेलेंट वेट हाफ हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट का, इसकी वैल्यू दो कहां मिलेगी? तो आ जाइए, अगर MnSO4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ये अगर चेंज हो जाए किसमें? MnO2 में, तो किसमें गया? +4 में। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन में क्या देखा जाता है, या हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन रिएक्शन में, कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज हुआ? कितने का चेंज हुआ? 2 का। तो n फैक्टर कितना आ गया? 2। तो यहां 2 आ गया, तो मॉलिक्यूलर वेट का हाफ हो जाएगा। अगर इसकी बात करते ना, तो ये +3 में गया, 1 का ही चेंज हुआ है, तो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट यहां सेम होगा। यहां पे ये चला गया 7 में, तो 7 में जाने का मतलब 5 का चेंज हो गया, तो 1/5 हो जाएगा यहां पर इक्विवेलेंट वेट। और इसका 6 है, तो 2 से 6 में जाने का मतलब 4 का चेंज हुआ, तो मॉलिक्यूलर वेट 1/4, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट का 1/4 हो जाएगा। हाफ पूछा था, सेकंड आंसर होगा। अब अपन लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन विच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम द एल्कलाई मेटल इज, एल्कलाई मेटल को, हाइड्रोजन को एल्कलाई मेटल से किस बेस पे अलग कर सकते हो? तो एल्कलाई मेटल से सारी, और हाइड्रोजन आपकी क्या है? नॉन मेटल है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th, नॉन मेटल करेक्टर से इसको अलग कर सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलाई भी होती है, हाइड्रोजन भी है, H+ बनाता है हाइड्रोजन। इट्स एफिनिटी टू नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ देखो NH3, बहुत सारे कंपाउंड हाइड्रोजन के जो नॉन मेटल्स के साथ है, और मेटल्स तो वैसे ही नॉन मेटल्स के साथ कंपाउंड बनाती है, ये नॉन मेटल होते हुए भी नॉन मेटल के साथ बना लेती है, तो ये प्रॉपर्टी भी दोनों में सेम है। रिड्यूसिंग नेचर, एल्कलाई मेटल की रिड्यूसिंग नेचर होती है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, तो हाइड्रोजन भी इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये था आपका DCM का इनऑर्गेनिक का पार्ट, नेक्स्ट फिजिकल और ऑर्गेनिक आप सर से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम TC गुप्ता, टीम केमिस्ट्री, टीम CLC। तो आज हम कर रहे हैं DCM के फर्स्ट मेजर का सॉल्यूशन। तो हम कंटिन्यू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 61 से। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए आयनिक कंपाउंड XY इन वाटर इज 4 times ऑफ सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 बेरियम क्लोराइड, जिसकी जो मोलरिटी है वो है 0.01 है। Assuming complete dissociation of ionic compound in water, जो ionic compound XY है वो water में 100% क्या होता है? Ionized होता है। The concentration of XY in the solution is, it means हमें क्या करना है? XY की molarity हमें determine करनी है, ठीक है? तो osmotic pressure का formula symbol होता है pi। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? XY का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है विल बी 4 times ऑफ सॉल्यूशन ऑफ BaCl2। किसी आयनिक यौगिक, अगर हिंदी में बात करें तो किसी आयनिक यौगिक XY के जलीय विलयन का परासरण दाब क्या होगा? 0.01 BaCl2 का 4 गुना होगा, ठीक है? और XY जल में क्या होता है? पूर्णतः आयनित होता है। तो हमें क्या करना है? XY वाले विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, ठीक है? तो परासरण दाब का जो सूत्र क्या होगा? वॉन्ट ऑफ फैक्टर I इंटू मोलरिटी C इंटू RT। R होता है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, T होता है तापमान, इक्वल टू क्या होगा? 4 इंटू वॉन्ट ऑफ फैक्टर ऑफ BaCl2 इंटू मोलरिटी ऑफ BaCl2 इंटू R इंटू T। क्लियर? अब बात करें हम कि यहाँ टेम्परेचर देखो सेम दिया हुआ है, तो क्या होगा? यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट R इंटू T दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बात करते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर, आयोटा क्या होता है? तो आयोटा होता है यहाँ पे 1 + α (n-1), ठीक है? और 100% आयोनाइज के लिए देखो यहाँ सिंपल से ड्राइव हो जाएगा कि 100% आयोनाइज होता है, तो अल्फा हो गया 1 और एन यहाँ पे होता है सम ऑफ STM कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद के STM गुणांकों का योग। जैसे मान लो ये अभिक्रिया लिखते हम XY से बनता है X+ (Y-), या हम सिंपल यहाँ से बोल सकते हैं XY आयन नंबर ऑफ आयंस, एक और एक दो होंगे, ठीक है? यहाँ भी से देखो तो 1 और 1 2 होंगे, तो एन क्या होता है? सम ऑफ STM कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद के STM गुणांकों का योग। कितने हो गए? 1 और 1 2 गए क्या? बटन नीचे आता है रिएक्टेंट के STM गुणांकों का
योग सम ऑफ एसटीएम कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, तो ये आ गया 2। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा 1 हो गया, एन माइनस 1 हो गया। तो देखो 1 प्लस एन माइनस 1 यानी क्या आ गया, आयोटा इक्वल टू एन आ गया। जितने नंबर ऑफ आयन्स होंगे उतना ही एन हो जाएगा, किसके लिए, जो आयनिक कंपाउंड 100% आयोनाइज होता है, इट मींस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एन के आई आयोटा इक्वल टू एन हो गया, तो यहाँ एन कितने हो गए, एक्स वाई के लिए 2 हो गए, कितने हो गया 2। तो यहाँ रख दे आई इक्वल टू 2 इंटू, इसकी मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी है, इक्वल टू 4 इंटू, अब बी ए सी एल टू पे नंबर ऑफ आयन कितने कर लें डायरेक्टली हम, एक बी ए का है, 2 सी एल के, बी ए प्लस 2, 2 सी एल माइनस, ठीक है, तो 3 हो गया इंटू, इसकी मोलरिटी सी की वैल्यू गिवन अपने को 0.01 एम गिवन है, तो 0.01 एम लिख देता हूँ, ठीक है। अब और इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं, 2 से 2 टाइम्स जाएगा, तो c इक्वल टू कितना हो गया, 3 इंटू 2 6 इंटू, क्या लिख देंगे इसको, 10^-2m, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 है, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द गिवन सेल रिएक्शन इन किलोजूल पर मोल एट 298 केल्विन, ठीक है, सेल रिएक्शन अपने पास है, ई नोट की वैल्यू है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू है, दी गई सेल अभिक्रिया के लिए क्या निकालना है, मानक की गिब्स ऊर्जा, ठीक है, अभिक्रिया अपने पास है, ई नोट की वैल्यू है, तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है मानक गिब्स ऊर्जा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नोट इंटू ई नोट सेल, माइनस एन एफ ई नोट सेल, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल रिएक्शन, तो देखो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है, तो यहाँ से जिंक का 0 से क्या हो रहा है, प्लस 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, 2 का ट्रांसफर हो गया, कॉपर प्लस 2 से 0 यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 2। एफ यहाँ पे क्या होता है, फेराडे नियतांक, फेराडे कॉन्स्टेंट कितनी होती है वैल्यू, 96500 इंटू इनोड सेल की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 वोल्ट गिवन है। अब ये तो आएगा जूल में, हमें कैलकुलेट किस में करना है, किलो जूल में, तो क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर दो, इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके आंसर क्या जाएगा, -386, कितना जाएगा -386, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की, फॉर ए रिएक्शन N2+3H2 गिव्स टू मोल्स ऑफ अमोनिया, आइडेंटिफाई डाइहाइड्रोजन H2 एक्ट एज ए लिमिटिंग रिजेंट, यानी ये अभिक्रिया जो है निम्न में से किस मिश्रण में H2 सीमांत अभिकर्मक का कार्य करता है, तो लिमिटिंग रिजेंट क्या होता है, द रिएक्टेंट विद कंज्यूम फर्स्ट, जो अभिक्रिया में सबसे पहले खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, वही क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रिजेंट होगा, ठीक है। तो हम चारों ऑप्शन अपने पास है, चारों को चेक करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन में लिखता हूं यहां पे, रिएक्शन क्या है, N2+3H2 गिव्स टू 2NH3। अब बात कर देखो, यहां हम गिवन मोल लिखते हैं, तो 56 ग्राम एंट में मोल कितने होंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास कितना होता है इसका, 28, तो कितने मोल हो गए इसके, 2। इन द सेम वे H2 के मोल कितने होंगे, वेट इन ग्राम कितना, 10, मोलर मास कितना होता है, 2, तो कितने मोल हो गए, 5। अब देखो LR किस देखते हैं हम, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस है, फिर क्या करते हैं हम, गिवन मोल्स अपॉन STM कोएफिशिएंट देखते हैं, जैसे N2 के लिए क्या करेंगे, गिवन मोल कितने हैं, 2, STM कोएफिशिएंट कितना है इसका, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रस्य समीकरण मितीय गुणांक, N2 का 1 है, H2 का 3 है, अमोनिया का 2 है, तो 2 अपॉन 1 क्या आ गया, 2 वैल्यू आ गई।
5 बाई 3 करें तो 5 अपॉन 3 गिवन मोल 5 है, अपॉन 3 कर देंगे तो क्या आएगा 1.2 बचेगा, ठीक है 6.7। अब क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है कि ये वैल्यू जिसके लिए कम आएगी वही क्या होगा, LR होगा। तो देखो 2 है, 1.67 है, किसके लिए कम है, H2 के लिए कम है, तो H2 क्या होगा, LR होगा। और कृष्ण क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शन में H2 LR का वर्क करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। इन द सेम वे हम चारों चेक कर सकते हैं, बाकी सब में क्या होगा, बाकी सब में कम N2 वाला जाएगा, गिवन मोल्स ऑफ HTM कोफिशिएंट। क्लियर। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे। 64 है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AlOH3 गिवन है, इट मींस KSP की वैल्यू अपने पास है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कैलकुलेट करनी है, S हमें कैलकुलेट करना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का विलेयता गुणनफल KSP की वैल्यू है, S आपको निकालना है। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए मान लो AXBY है, तो AXBY टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए KSP की वैल्यू क्या होती है, X की पावर X, ठीक है, इंटू Y की पावर Y, इंटू S की पावर क्या आता है, S बोले तो सॉल्युबिलिटी विलेयता, S की पावर X+Y। तो यहां पे देखो, अगर यहां हम देखें कंपेयर करें AlOH3, तो यहां पे X क्या है 1 है और Y क्या है 3 है, तो KSP क्या होगा 1 की पावर 1, 1 हो गया, इंटू 3 की पावर 3 कितना हो गया 1 की पावर 1, इंटू 3 की पावर 3, इंटू S की पावर 1+3, 4, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 को 3 टाइम 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू S की पावर 4, तो 27 इंटू S की पावर 4 की वैल्यू कितनी है, देखो इसको लिख रहा हूं मैं 27 इंटू 10^-12 लिख दें इसको, यहाँ -11 था मैंने -12 कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, बिकॉज क्या होगा ऐसा करने से 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा ये पावर 4 है तो S क्या होगा, S हो जाएगा 10^-12 होल पावर क्या आएगा 1/4, इट मीन्स फाइनल आंसर क्या हो गया 10^-3 जाएगा 3m। क्लियर। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 की बात करें, H6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला CrCl3.6H2, यानी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 6 है, 6 है, हैज ग्रीन कलर, 1 liter of 0.1 mm solution of this complex when treated with excess of AgNO3, a white PPD is formed. तो सिंपल सी बात है, इस कॉम्प्लेक्स में क्लोरीन होगा और AgNO3 प्लस क्लोरीन क्या बनाएगा, AgCl, और AgCl का PPD क्या आता है, वाइट आता है। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितने Cl होंगे उतने रिएक्ट करेंगे, अगर हिंदी में बात करें तो 6 समन्वय संख्या है इसकी, इसका रंग हरा है, इसका 0.1 mm विलयन 1 लीटर को AgNO3 के साथ अधिकम में जब अभिकृत करवाते हैं तो 28.7 ग्राम सफेद अवक्षेप ने AgCl की मात्रा दी हुई है, यानी बात करें तो अभिक्रिया क्या होगी, CrCl3 ये कॉम्प्लेक्स है .6H2O, ये रिएक्ट करेगा AgNO3 के साथ, ठीक है, और अवक्षेप किसका आएगा, AgCl का। तो हमें ये बताना है कि करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है, इट मीन्स हमें अल्टीमेटली वैलेंसी फैक्टर निकालना है। तो क्या कॉन्सेप्ट है इसका, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी गिवन रिएक्शन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सभी के क्या होते हैं, सेम होते हैं, सबके ग्राम तुल्यांक क्या आएंगे, समान आएंगे, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल फॉर ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स Cr Cl3.6H2O इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgCl। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के तीन फॉर्मूले होते हैं, एक होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, एक होता है डब्ल्यू अपॉन ई वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एंड थर्ड क्या होता है नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। इसमें से जो डेटा आपके पास है वो आप यूज कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स के अपने पास क्या है, मोलरिटी है और वॉल्यूम है, तो क्या लगा देंगे इसकी नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लगा देंगे, इक्वल टू AgCl का वेट इन ग्राम है तो क्या लगा देंगे मोल इनटू वैलेंस फैक्टर यूज कर लेते हैं हम, क्योंकि वेट इन ग्राम से मोल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी कितने वैल्यू 0.1 इनटू वैलेंस फैक्टर का डिटरमाइन करेंगे, जितना वैलेंस फैक्टर होगा ये सोल्ट है उतना ही क्या होगा चार्ज होगा, इट मीन्स उतने ही क्या होंगे Cl आयन क्या होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर समन्वय मंडल से बाहर होंगे, क्लियर। तो इनटू क्या होगा Vf, वॉल्यूम कितना गिवन है इसका 1 लीटर, कितना गिवन है 1, इक्वल टू AgCl के मोल किसके इक्वल कर रहे हैं हम AgCl के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर रहे हैं, जिसका अमाउंट है उसी के इक्वल करेंगे। तो मोल क्या होगा वेट इन ग्राम 28.7 अपॉन मोलर मास कितना होता है AgCl का, Ag का 108 Cl का 35.5 ऐड कर लो तो क्या आएगा 143.5। और AgCl भी सोल्ट है, सोल्ट का वैलेंस फैक्टर क्या होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, Ag प्लस Cl माइनस तो एक ही है ना चार्ज, तो 1 आ जाएगा। यहां से हम सोल्व करें ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा देता हूं मैं ठीक है, तो क्या होगा Vf क्या हो गया 143 का एग्जैक्टली डबल, पॉइंट हट गए यहां से एग्जैक्ट डबल है तो 2 आ गया, इट मीन्स 2Cl माइनस आयन बाहर होंगे, Cl दो बार होगा तो फर्स्ट में 3Cl बाहर है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड में 2Cl बाहर है और अंदर CN6 चेक कर लेते हैं 5 और 1 क्या हो गया 6 हो गया, तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया सेकंड आ गया, क्लियर। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। 4 मोल ऑफ N2O4 इज टेकन इन ए कंटेनर ऑफ यूनिट वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है एंड वेपर डेंसिटी मिक्सर की हो जाती है 34.5, क्लियर। इकाई आयतन के पात्र में किसी ताप पर N2O4 के 4 मोल लेते हैं, कुछ समय पश्चात साम्य स्थापित होगा, क्या बनेगा 2NO2 और मिश्रण का घनत्व 34.5 हो जाता है तो क्या ज्ञात करना है डेल्टा जी। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू स्टैंडर्ड है क्या होती है 0, कुछ करना ही नहीं है कैलकुलेट आपको, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी ऑलवेज क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है 0 होती है, तो 0 ऑप्शन कौन सा है फर्स्ट, तो आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे, व्हेन माल्टोज C12H22O11 बर्न इन कैलोरीमीटर बॉम कैलोरीमीटर, तो देखो बॉम कैलोरीमीटर किस पे वर्क करता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, किस पे वर्क करता है ध्यान देना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इससे जो हीट आपको मिलेगी ऑलवेज क्या मिलेगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट चेंज को हम बोलते हैं डेल्टा ई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, इट मीन्स यहां से जो हीट निकलेगी वो डेल्टा ई की वैल्यू होगी, यहां से जो उसमें आएगी वो डेल्टा ई की वैल्यू होगी ठीक। यील्डिंग CO2 कंबस्टन में CO2H2 बनते हैं, द हीट ऑफ कंबस्टन इज -1353, इट मीन्स ये किसकी वैल्यू है डेल्टा ई की है, अगर यहां हिंदी में बात करें तो बॉम कैलोरीमीटर में क्या होगा दहन की उष्मा -1350 है, यानी ये डेल्टा ई की वैल्यू है आपके पास, मात्र क्या है किलो कैलोरी पर मोल, यूनिट क्या है किलो कैलोरी पर मोल।
द हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ माल्टोस एज कॉन्स्टेंट प्रेशर. अब कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट मीन्स क्या पूछ रहा है, डेल्टा एच क्वेश्चन में पूछ रहा है. नियत दाब पर दहन की उष्मा यानी डेल्टा एच की वैल्यू पूछ रहा है. तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी. अब आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू तो है, डेल्टा एन जी के लिए क्या चाहिए, केमिकल रिएक्शन. तो एक काम करते हैं, हम रिएक्शन लिखे हैं इसके कंबस्टन की, तो सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन सॉलिड. कंबस्टन के लिए क्या चाहिए, ओ टू गैस. और प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कंबस्टन के प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होते हैं, CO2 गैस एंड H2O लिक्विड. जब तक क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं हो तो CO2 को गैस मानना है, होती है गैस CO2, H2O को लिक्विड मानना है, गैस नहीं मानना. बैलेंस कर लें इसको, कार्बन के 12 है तो यहाँ पे 12 आ जाएंगे, ठीक है. H22 है तो वहाँ क्या जाएगा, 11 आ जाएगा. O काउंट करते हैं बेटा, तो O कितने हैं, 12 इंटू टू 24 और 11, तो 11 से 11 तो ये बैलेंस हो गए ना, तो 24 का हाफ कितना होता है, 12, ठीक है. अब डेल्टा एन जी क्या होता है, सम ऑफ गैसियस, सम ऑफ गैसियस स्टोइकियोमेट्रिक या सम ऑफ एसटीएम कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, उत्पाद के गैसीय उत्पाद के एसटीएम गुणांकों का योग जो गैसीय फेज में है. तो गैसीय फेज में क्या है, CO2 है, कितना है इसका एसटीएम कोएफिशिएंट, 12 है. माइनस क्या आएगा, रिएक्टेंट के गैस वाले, रिएक्टेंट में ये सॉलिड है ये गैस है, 12 माइनस 12 क्या हो गया, जीरो हो गया. और अगर ये जीरो हो गया तो ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया. तो डेल्टा एच की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डेल्टा ई के. और डेल्टा ई की वैल्यू माइनस 1350 है, यूनिट किलो किलोग्राम पर मोल है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं. ए ओपन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वी कंटेन्स एयर एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर आपका है 27 डिग्री सेल्सियस. द कंटेनर इज हीटेड टू ए टेम्परेचर सो डेट अमाउंट ऑफ गैस कमिंग आउट 2/3 अमाउंट ऑफ गैस. यानी जो उसमें अमाउंट था, अमाउंट मीन्स हम मोल की बात कर लेंगे, तो 2/3 अमाउंट वहां से बाहर निकल गया, ठीक है. द टेम्परेचर इज यानी किस टेम्परेचर तक उसको हीट किया ये पूछ रहा है, यानी टी टू निकालना है. एक वी आयतन के खुले पात्र, ओपन कंटेनर है, और ओपन कंटेनर का मतलब है प्रेशर कॉन्स्टेंट है, हवा भरी है, पात्र को किसी ताप तक गर्म करेंगे तो 2/3 गुना गैस बाहर निकल गई. तो किस ताप पर गर्म किया गया, तो हम क्या लगा देंगे, पी वन वी वन अपॉन एन वन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन एन टू टी टू. आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, पी वी बराबर एन आर टी, आर क्या होगा, पी वी अपॉन एन टी. तो आर तो कॉन्स्टेंट रहेगा ना, तो आर इक्वल टू आर रहेगा. अब देखो ओपन कंटेनर है तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, तो पी वन इक्वल टू क्या होगा, पी टू होगा, हो जाएगा कैंसिल. और देखो ओपन कंटेनर है और इस इक्वेशन में वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है. तो जब गैस 2/3 पार्ट गैस बाहर निकल जाएगा तो रिमेनिंग गैस सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, बिकॉज कंटेनर का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट ही है ना. तो वी वन से वी टू भी कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली क्या बचा अपने पास, एन वन टी वन इक्वल टू एन टू टी टू. एन वन पहले इनिशियल मोल हम एन मान लेते हैं, और इनिशियल टी वन जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है. और तापमान हमेशा केल्विन में लिया जाता है, टेम्परेचर ऑलवेज किसमें लेते हैं, केल्विन में. तो क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 300 इक्वल टू. अब देखो 2/3 बाहर निकल के तो कितना बचा, 1/3 बचा ना, तो पहले के कंपेयर में क्या बचेगा, 1/3 एन बचेंगे. और टी टू हमें कैलकुलेट करना है,
तो क्या हो जाएगा, एन से एन कैंसिल कर देंगे और टी टू क्या हो जाएगा, 300 इंटू 3 कितना आ गया, 900 केल्विन। ऑप्शन देखो ऐसा कौन सा है, फोर्थ गिवन है तो आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 69 द प्लॉट ऑफ लोक के वर्सेज 1/24 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो इसमें ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है, प्रथम कोटि के लिए लोक के और 1/20, तो लोग के यहाँ रेट कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है, वेग नियतांक है, तो इसमें जीरो हो या फर्स्ट हो या सेकंड हो सबके लिए सेम ही होता है। तो आरएनएस इक्वेशन क्या कहती है, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, और लोग लेने के बाद क्या होता है, इसमें लोग के इक्वल टू क्या आता है, लोग ए, ठीक है, और क्या आएगा ये माइनस ई ए अपॉन 2.303 R 1/20 आएगा, नहीं आएगा, पहले ई की बेस पे ले लेंगे, फिर 2.303 में डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे किसके लिए, 10 की बेस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब लोग के और 1/20 में ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ का फंडा क्या है, जो वाई एक्सिस पे होता है उसको वाई मान लेते हैं, तो वाई एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे है लोग के, तो ये तो आपका y हो गया, ठीक है, x पे क्या है 1/20, ये आपका x हो गया, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया क्या। अब कंपेयर करें, m की वैल्यू है माइनस ई ए अपॉन 2.303 R है कि नहीं है, अब ई ए ऑलवेज पॉजिटिव है, ई ए क्या है एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होती है, आर पॉजिटिव, तो एम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो स्लोप तो नेगेटिव है, स्लोप तो क्या है नेगेटिव। अब दूसरा पूछ रहा है इंटरसेप्ट बताइए कैसा है, जीरो है या नॉन जीरो, शून्य है या शून्य है, तो ये अशून्य है, शून्य लोग है, ए केवल जीरो होगी नहीं, तो क्या नॉन जीरो, तो नेगेटिव स्लोप और नॉन जीरो, नेगेटिव स्लोप नॉन जीरो, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है, सेकेंड में, थर्ड में है नेगेटिव स्लोप एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट, तो कौन सा आंसर आएगा, थर्ड आ जाएगा, ऋणात्मक ढाल आ गई और अंतःखंड शून्य नहीं होगा, अशून्य होगा, क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ए डेसीमोलर, डेसीमोलर का मतलब है मोलरिटी है 1/10, यानी कंसंट्रेशन आपकी हो गई 10^-1 है, ऑफ वीक एसिड एच इज 0.01 mm, एल्फा है 0.01 mm, यानी 10^-2, पी के ए निकालना है, एक दुर्बल अम्ल एच ए है, उसके डेसीमोलर विलयन की वियोजन की मात्रा 0.01 mm एल्फा, तथा डेसीमोलर है तो सांद्रता सी हो गया 1/10, 10^-1 mm, तो पी के ए के लिए पहले क्या निकालें, के ए, तो एल्फा देखो 0.1 से कम है, तो इस केस में के ए इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, सी एल्फा स्क्वायर, ठीक है, सी की वैल्यू पुट कर दें, सी की वैल्यू कितनी है 10^-1 है, ठीक है, एल्फा स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 10^-2 का स्क्वायर क्या होगा 10^-4, तो क्या जाएगा 10^-5, क्लियर। अब क्या करना है कैलकुलेट, पी के ए, पी के ए क्या होगा माइनस लॉग ऑफ के, ठीक है, तो क्या करेंगे माइनस लॉग ऑफ के की वैल्यू -5, अब लॉग एक्स की पावर एन क्या होता है एन लॉग एक्स, तो -5 बाहर आएगा और माइनस प्लस हो जाएगा और लॉग 10 की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आएगा आपका 5 आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन 5 कौन सा है, थर्ड है, तो थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की, 71 पढ़ते हैं, ए एटम्स ऑफ एलिमेंट एक्स फॉर्म एफ सी सी लैटिस और वाई ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टी वी, तब फॉर्मूला पूछ रहा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक्स और वाई दो एटम है, तत्व एक्स के परमाणु एफ सी सी बनाते हैं, ठीक है, एक्स क्या बना रहा है एफ सी सी और वाई क्या कर रहे हैं चतुष्फल के रिक्ति का 1/3 भाग,
वन बाई थर्ड इंटू टी वी। क्लियर? तो फॉर्मूला किस निकालते हैं? सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, एक एक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या का सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात क्या कहलाता है, उससे क्या निकलता है? सूत्र निकलता है, फॉर्मूला निकलता है बेटा। तो एफ सी सी में नंबर ऑफ पार्टिकल हम जेड मान ले, वैसे तो चार होते हैं, फिर भी हम जेड मान लेते हैं। और टी वी जो होता है ऑलवेज क्या होता है? टू जेड, यानी इसका डबल होता है। तो सिंपल इसमें निकाल जेड से जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, एलसीएम थ्री आ जाएगा, थ्री रेशो टू, तो क्या आंसर होगा? एक्स थ्री, ठीक है, एंड वाई टू। एक्स थ्री वाई टू ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। तो आपका करेक्ट क्या होगा? थर्ड आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72। द एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन के जो कंबस्टन की एंथैल्पी है कितनी है? माइनस 2658 किलोजूल पर मोल। बिल्कुल सही बात है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन पर मोल के लिए ही क्या होती है? डिफाइन होती है। हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिलीज्ड बाय द कंबस्टन ऑफ 5.8 ग्राम ब्यूटेन। ब्यूटेन के दहन की एंथैल्पी का मान दिया हुआ है, तो 5.8 ग्राम के ब्यूटेन से कितनी दहन उष्मा मुक्त होगी? ठीक, तो ये एक मोल की है ना पर मोल की, और एक मोल की यानी कितने ग्राम की, तो एक मोल में कितने ग्राम का मोलर द्रव्यमान, तो ब्यूटेन का मोलर द्रव्यमान निकाल लें हम। क्या होता है फॉर्मूला? C4H10, इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12 × 4 = 48 + 10 = 58 हो जाएगा। क्या? तो 58 ग्राम की आपके पास है, तो 5.8 ग्राम के दहन से कंबस्टन से कितनी हीट निकलेगी? तो देखो 58 ग्राम से कितनी निकलती है, सिंपल नंबर इसका 2658। अब हीट रिलीज हो रही है ना, इसलिए साइन नेगेटिव आया है, पर अगर क्वेश्चन ने पूछता एंथैल्पी कितनी होगी तो नेगेटिव आता, कितनी एनर्जी फ्री होगी, कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो साइन नहीं आएगा। ठीक है, साइन क्या आएगा? मीन्स नहीं आएगा, मीन्स पॉजिटिव आएगा। तो 1 ग्राम से कितनी होगी? 2658 / 58, तो 5.8 से कितनी होगी? इंटू क्या कर देंगे? 5.8 कर देंगे। और सिंपल सी यहाँ पे कैलकुलेशन है, क्या करेंगे? 10 टाइम जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? 265.8। ऑप्शन देखो बेटा, 265.8 यूनिट आपकी सेम रहेगी। कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड, तो सेकेंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच सेट ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर डज नॉट फिक्स एटॉमिक इक्वेशन, जनरली क्वांटम नंबर का आता है। निम्न में से क्वांटम संख्या कौन सा समुच्चय संभव नहीं है? तो देखो स्टैंडर्ड फंडा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 1 से, 1, 2, 3, 4 ऑलवेज इंटीजर। एल की वैल्यू क्या होती है? 0 to n-1, ठीक है। एम की माइनस एल से प्लस एल, अगर हम बात करें तो एन की वैल्यू होती है 1, 2, 3 ऑलवेज इंटीजर, ठीक है। एजिमुथल क्वांटम नंबर द्विगुणसिक क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या होती है? 0 to n-1, यानी ऊपर वाले से एक कम, इससे एक कम होनी चाहिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू होती है -L2 + L, और स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू होती है या तो +1/2 या -1/2। क्लियर बेटा? तो देखो 3 0 कम है, इससे 0 + 1/2 फर्स्ट शर्त पॉसिबल है, ये देखना कौन सा पॉसिबल नहीं है। 2 एल की कम है, ये -L से +L के बीच में आ रहा है, -1/2 बिल्कुल पॉसिबल है। 4 देखो मैंने क्या बताया, एल की वैल्यू है वो एन से एक कम कम होगी, इसके इक्वल नहीं हो सकती, ज़्यादा नहीं हो सकती, तो 4 तो आपका सेट पॉसिबल नहीं है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। 74 है, द कोगुलेशन वैल्यू इन मिलीमोल पर लीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर द कोगुलेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड सोल है, उसके लिए क्या है कोगुलेशन वैल्यूज हैं?
NaCl की 52 है, BaCl2 की 0.69 है, मैग्नीशियम सल्फेट की 0.22 है, कोगुलेशन पावर का ऑर्डर देखना है। ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड के स्कंदन में प्रयुक्त विद्युत अपघटों के स्कंदन मान मिलीमोल प्रति लीटर में है तो स्कंदन शक्ति। तो देखो कोगुलेशन पावर इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है कोगुलेशन वैल्यू। ठीक है, क्योंकि वैल्यू क्या होती है कि ये किससे बना है, हार्डी सुल्जर रूल से बना है। ये क्या होता है कि अगर नेगेटिव सोल हो तो कैटन क्या करेगा, पीपीटी इन प्रतिशत कैटन क्या हो जाएगा, पीपीटी आ जाएगा, स्कंदन कोगुलेशन करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना पावर ज़्यादा होगा, और जितना पावर ज़्यादा होगा उसका अमाउंट उतना ही कम रिक्वायर्ड होगा। तो जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है वो होती है कोगुलेशन वैल्यू। क्या होती है, कोगुलेशन वैल्यू होती है। ठीक है, स्कंदन मान कोगुलेशन वैल्यू। तो जितना ज़्यादा पावर होगा उसकी वैल्यू उतनी कम रिक्वायर्ड होगी, मीन जल्दी हो जाएगा पीपीटी। तो दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो देखो कोगुलेशन पावर का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। सबसे कम क्या है, MgSO4, तो मैक्सिमम तो थर्ड आएगा। थर्ड मैक्सिमम कौन से में दे रखा है, थर्ड में है और सेकेंड में। ठीक है, सेकेंड में है, थर्ड में। उसके बाद वैल्यू क्या है, 0.69 है। तो थर्ड के बाद सेकेंड कौन से में, थर्ड में तो है नहीं, तो आपका करेक्ट। और फर्स्ट के लिए 52 सबसे ज़्यादा है तो पावर ये सब ज़्यादा है सीवी, तो पावर सबसे कम हो जाएगा। तो क्या आएगा बेटा, फर्स्ट आ जाएगा। तो कोगुलेशन पावर और कोगुलेशन वैल्यू क्या होते हैं, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो फिजिकल का लास्ट क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NS4Cl, NaOH, NaCl की वैल्यूज गिवन है। यूनिट आप देखें तो यूनिट क्या आ रही है, ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर पर मोल, अनंत तनुता पर चालकता है। तो ये मात्रक किसका है, लेमडा एम इनफाइनाइट का, यानी सारी वैल्यू किसकी दे रखी है आपको, लेमडा एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, सीमांत मोलर चालकता के मान है। इफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ M/100 सॉल्यूशन ऑफ NS4OH, ठीक है, तो NS4OH का देखो क्या 10 वैल्यू है और यूनिट सेम, यानी लेमडा एम की वैल्यू है, तो अल्फा निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अल्फा क्या होता है, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम इनफाइनाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है गिवन कंसंट्रेशन अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे सीमांत मोलर चालकता। अब लेमडा एम का मान तो 10 दिया हुआ है, लेमडा एम इनफाइनाइट सीमांत मोलर चालकता का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो वो कैसे निकाल लें, कोलराव्स लो से निकाल लें हम बेटा। और कोलराव्स लो क्या कहता है, जो आयन रिक्वायर्ड है वो तो ऐड कर दो और जो रिक्वायर्ड है उसको माइनस कर दो। तो NS4OH में क्या क्या, देखो NS4OH लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ NS4OH, तो कौन कौन सा आयन इसमें, NS4+ है। NS4+ क्या है, NS4Cl में है, तो NS4Cl की वैल्यू तो हम ऐड कर देते हैं, कितनी है 130। क्लियर बेटा, OH किस में है, NaOH में, ऐड कर दो कितना है 218। अब देखो एक्स्ट्रा इसमें क्या आ गया, इसमें Cl आ गया, इसमें क्या आ गया, Na आ गया, तो Na और Cl को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस NaCl की वैल्यू कितनी है 120 है। क्लियर, तो ये कितनी आ गई वैल्यू 228 यूनिट आपकी सेम है। तो लेमडा एम इनफाइनाइट की वैल्यू पुट कर दे हम तो क्या हो जाएगी 228, और इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा 0.043। क्लियर, तो ये आ गया अल्फा की वैल्यू, व्युजन की कोटि क्या हो गई। तो इसी के साथ फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन फिनिश होता है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, जय CLC। नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वेश्चन नंबर 76 से। जिस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आने वाले हैं, उसी टाइप से क्वेश्चन दिया गया है इसमें। और इसमें अपने दोनों ने कनेक्ट किया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दिया नाम कॉमन नेम से। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है, विच कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, निम्न में कौन ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करता है। काफी बच्चों के सही होंगे क्वेश्चन ये,
हाँ बसरते जिनको ये नाम आता होगा, जैसे पहला है अल्फा ब्यूटाइलीन, ये कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट। सेकंड आइसो ब्यूटाइलीन, ठीक है बेटा। थर्ड है बीटा ब्यूटाइलीन, एंड फोर्थ ऑप्शन है टेट्रामिथेल मीथेन। ये नाम लिखना क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पता होगा। पहला स्टेज दिया गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एकदम छोटा सा पार्ट, उसमें C3 C7 रिंग, उनकी कोई बात नहीं अभी करी गई। एक कार्बन पे अगर सेम ग्रुप है तो वो GISO नहीं करता है, CHH ये GISO करेगा नहीं करेगा। इस कार्बन पे सेम ग्रुप, इस कार्बन सेम ग्रुप GISO नहीं करेगा, क्लियर। टेट्रामिथिल मेथेन एल्केन में तो GISO करेगा नहीं। अब ये देखो C है यहां H, CH ट्रांसिस, सिमिलर ग्रुप एक तरफ सिस अपोजिट देन ट्रांस, तो आंसर कौन सा होगा बेटा बीटा ब्यूटाइलीन, ठीक है बीटा ब्यूटाइलीन इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका थर्ड आ गया आंसर, कोई दिक्कत। एक कार्बन पे सेम ग्रुप GISO नहीं करेगा, और इसका नाम आपके पीछे ऐसी बातें आएंगी, ध्यान रखना ठीक है, क्योंकि मिनट एक मिनट एक क्वेश्चन, तो पेपर कभी बहुत उल्टा सीधा नहीं देगा, आपको नॉर्मल बेस पे बात करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन नीट का, सिंपल, इसके बारे में फिर सुन लो। ये कौन सी रिएक्शन है, खुसरोव रिएक्शन, एल्काइन का हाइड्रेशन है, हैवी मेटल की प्रेजेंस में होता है, हैवी मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करेगा, कोई रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होगा। कुछ बातें हमने वैसे बोल दी जो इस क्वेश्चन में नहीं है, सीधी बात करते हैं, CH3 H प्लस OH माइनस, नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस वहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम, बोलो बेटा टॉटोमराइज CH3 CH CH3 CO और H CH3, ठीक है ना, H चला गया, कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलो खुसरोव रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जनरली एल्कीन एल्काइन क्या देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, लेकिन ये कौन सी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हमने कैसे फ्रेम किया, हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक किया कि ये क्वेश्चन देना बच्चों को जरूरी है, क्योंकि नीट जो जेई मेन है भाई, पैनल तो वही है ठीक है ना, एनटीए जो पेपर बनाती है जेई मेन का, इसका दोनों का एक ही बनता है। तो जेई मेन ने क्या दिया, ग्लूकोज लिखा यहां पे, रेड फॉस्फोरस HI लिखा, प्रोडक्ट में किरल कार्बन की संख्या, यही पूछा। तो PHI एल्कोहल को एल्केन में चेंज करता है, एल्डिहाइड को एल्केन में, एसिड को एल्केन में चेंज करता है, तो ग्लूकोज होता तो भी क्या होता एन हेक्सेन बन जाता। हमने यहां फ्रक्टोज लिया CH2OH, सी डबल बॉन्ड ओ CHOH, 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 CH2OH, ठीक है 1 2 3 4 5 6 PHI, ठीक है। ये एल्केन में, ये एल्केन में, एल्केन में कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कितने कार्बन 6। अब यहां कोई कायरल है, 3 हाइड्रोजन 2 2 2, तो कायरल कार्बन कितने हो गए 0। इस क्वेश्चन में ऐसे भी छोटा मोटा चेंज कर सकता है, प्रोडक्ट लिखा आगे लिख देता Cr2O3 Al2O3, प्रोडक्ट क्या बन जाता बेंजीन, ठीक है ना। ग्लूकोज लिख के भी यही कर सकता है, किरल कार्बन 0। इसलिए थोड़ी बहुत जो NCERT से घुमा के बात है उस पर थोड़ा सा फोकस करना बेटा, आना है ये जल्दबाजी में गलत ना हो, तो आंसर इज 4, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बाईथायोनल, डेली लाइफ का क्वेश्चन है बाईथायोनल, पहले तो आपको हमने ये आपको बताया कि आप जो NCERT में उसको स्ट्रक्चर थोड़ा याद करने की कोशिश करो, इसलिए बाईथायोनल दिया है। बाईथायोनल का स्ट्रक्चर सल्फर OH OH Cl Cl Cl, तो बाईथायोनल में सल्फर की संख्या कितनी हो जाएगी 1, इसमें आपको क्लोरीन की संख्या पूछ ले 4, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ ले, बता लोगे
चार चार आठ, बोलो OH की संख्या दो। आपसे पूछ ले कि क्या ये FeCl3 के साथ टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा, FeCl3 के साथ ये टेस्ट देगा क्योंकि फिनोलिक ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट बाइथायनल में, हाँ एक बात और यहां देखना, हेलो कंफ्यूजन तो, बाइथायो नल हो और ऑल हो, दोनों एनसीईआरटी में दे रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, आपको अगर जो इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो सी डबल बॉन्ड ओ, यहां से अल्फा एच निकाला और अटैक करा दिया इस पे, माइनस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, एच प्लस, यहां क्या हो गया ओ एच, फिर यहां से H2O, तो यहां क्या हो गया, बोलो ये बात हो जाएगी। देखो ठीक है, क्लियर है बात, अब सुनो हो गई। अब इसमें हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट करने के लिए देखो क्या करना है, सीधे O लिखो, डबल बॉन्ड ओ लिखो ऐसे, लिख दिया और डबल बॉन्ड ओ लिखो ऐसे, एल्डोल है सीधे क्या निकाल लोगे H2O, ये लिखो, ये डायरेक्ट से हो गया क्योंकि हमारा जो मेन मूल काम है, हेलो बाबू, रैंक लाना है और रैंक तब आएगी जब आपकी स्पीड भी मेंटेन रहे, ये नहीं कि लास्ट में 15 क्वेश्चन छूट, 10 क्वेश्चन छूट गया, ये नहीं होना चाहिए। आपको सीधे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को यहां से H2O निकाल के भी काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो दोनों तरीका आपको पता है, पहला वाला उसको अगर भूल गए ट्रिक, नहीं तो तुरंत आपको ये लगाना है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, सेकेंड, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलें, ठीक है, अब बात सुनो, ये HI वाली रिएक्शन है, ईथर में दो ही तीन रिएक्शन आप पढ़ते हो ज्यादातर, विलियमसन सिंथेसिस, HI रिएक्शन विद HI एंड थर्ड हाइड्रोलिसिस, क्लियर। अब ये बहुत फेमस रिएक्शन, देखो इधर अपने ट्रिक से बताते हैं कि बड़े वाले का अल्कोहल बनाओ, छोटे वाले का आयोडाइड, बट अगर O से डायरेक्ट टर्शियरी ग्रुप लगा हो या बेंजिल लगा हो तब हम क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज सीधे वहीं पे अटैक करेंगे, मतलब SN1 रिएक्शन, ठीक है, बड़े वाले का अल्कोहल, छोटे वाले का आयोडाइड, ये SN2 रिएक्शन, इन सब बातों पर फोकस करो जो बातें हम बोल रहे हैं। कुछ इस क्वेश्चन के साथ एक दो चीजें आप और एक्स्ट्रा ऐड कर लो, मजा आ जाएगा। फिर आ गया अब यहां जब ये तोड़ोगे तो यहां कार्बोकैटायन अच्छा स्टेबल बना, H+ I- I- इसके साथ अटैच हो गया CH2I + C2H5OH, जानबूझ के हमने क्वेश्चन मेजर प्रोडक्ट, तब इसमें अब ऑप्शन खोजेंगे कौन सा है, CH2OH होगा नहीं, CH2I इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं है, ये नहीं, C2H5OH OH होता तो उस पर भी टिक कर लेते, और ये रिएक्शन कौन सी है, SN1। अगर यही यही तो बेटा आंसर सेकंड हो गया, यही बेटा ऐसे दे देता OCS3, तो इसका बड़े वाले का अल्कोहल बनाते, यहां से नहीं OCS3, तो इसका अल्कोहल बनाते, इसका आयोडाइड, और वो रिएक्शन कौन सी होती, SN2, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन, फिर हाँ फिर इसको हमने क्यों यहां पे लाया आपके सामने, क्योंकि आपके एक रिदम आया क्वेश्चन, बेंजीन CH3 CH2 CH2Cl, ये पहले कभी कॉपी में क्वेश्चन था और सीधे उठ के आया था, उसी के साथ ये भी लिखा है, आप उसको बेंजीन है ये घुमाया प्लस और माइनस, H+ अटैक किया तो यहां आ गया प्लस चार्ज, ये बेंजीन पर सीधे अटैच हो गया, मतलब ये क्या बना बेटा, क्या बना, क्यूमीन। यही क्वेश्चन पूछ सकता है जो ट्रेंड चल रहा है। अब आगे O2 के साथ रिएक्शन, तो ये क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड बोल रहे हैं ना, वो बात सुनो, बोल रहे हैं इसका नाम क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड। फिर आगे H+, तो यहां क्या बन जाएगा, ये निकला फिनॉल और एसीटोन बन गया, फिनॉल और एसीटोन,
तो ये तो बेटा आपका क्या बना, ए। अब O2 dilute SuSO4 COD, तो COD ये बना, लेकिन C को कह रहा है एरोमेटिक, यहां क्या है एरोमेटिक है, ठीक है एरोमेटिक, तो ये C क्या हो गया एरोमेटिक, तो यही क्या हो जाएगा आंसर, तो C इज फिनॉल, C इज फिनॉल। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट बात, कौन सा विच इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, ऐसा भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको दिया है, पर थोड़ा सा चेंजिंग कर दी हमने। देखो फिनॉल और एसिटिक एसिड में एसिटिक एसिड बिल्कुल, लेकिन जब फिनॉल पे 3-m लग गए तो ये तो है पिक्रिक एसिड, ये एसिटिक एसिड से भी क्या होता है अधिक एसिडिक होता है, फिनॉल है और एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड, ये भी होता तो भी एसिटिक एसिड, लेकिन पिक्रिक एसिड ये इज मोस्ट एसिडिक, पिक्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें सी डबल ओ एच ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर कौन सा हो गया थर्ड, ठीक है ना क्लियर। तो ये एसिड का आपको याद रखना है, एलिफैटिक एरोमेटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एलिफैटिक, और एरोमेटिक से अधिक फॉर्मिक, और फॉर्मिक से अधिक माइनस आई वाले, और एक टर्म ये भी ध्यान रखना कि पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, पिक्रिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलें, बेहतरीन बातों के साथ इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, CO OCS3, ठीक है OCS3 किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, C6H5MgBr के साथ, एक्सिस में है, चलते हैं फिर हाइड्रोलिसिस है, चलो तो इसको घुमाया माइनस और ये प्लस COMgBr, यहां OCS3 और यहां क्या आ गया C6H5, अब ये माइनस ये प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन इधर ये बाहर, क्या बन गया CO C6H5, ठीक है फिर रिएक्शन करा दी C6H5MgBr के साथ, यहां माइनस और ये प्लस, क्या हो जाएगा ये हुआ OMgBr, यहां C6H5 C6H5 माइनस और ये प्लस OH C6H5 C6H5, तो ऐसा कौन सा आंसर है, यहां कौन सा आंसर है, इसको मिटा दे, देख लिया होगा, ये आंसर है आपका सेकेंड, बोलो। तो एस्टर हो RCOCl हो, ठीक है ना, इनकी एक्सिस में ग्रिग्नार एजेंट के साथ रिएक्शन करोगे तो 3° अल्कोहल बनेगा, एक्सिस दे रखा है तो कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट चलें, हाँ निम्न में कौन संघनन बहुलक नहीं है, ग्लिप्टल मेलामीन डेक्रॉन नायलॉन 6,6, ये सब क्या होते हैं संघनन, मतलब दो उसमें कोई छोटा मॉलिक्यूल H2O NH3 ये सब ROH ये सब निकले, नियोप्रीन नियोप्रीन ये कौन सा होगा एडिशन योगात्मक बहुलक होगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड इसमें है तो नियोप्रीन, ध्यान ही रखना याद रखना है, जिसमें छोटा मॉलिक्यूल ग्लिप्टल डेक्रॉन मेलामीन ये सब किस में आते हैं संघनन बहुलक में, ठीक है कर लोगे बेटा, नायलॉन 6,6 और भी ये भी संघनन बहुलक में आता है। अब डबल बॉन्ड जैसे नियोप्रीन है, हाँ ये पीवीसी है, ठीक है ना पीएएन है, ये सब आएंगे एडिशन में, ठीक है ना, तो ये संघनन बहुलक नहीं है। अगला ये एक शानदार, ये जानबूझ के इसको दिया भाई, हेलो इसको दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, ओजोन एक्रोलीन परोक्सी एस्टिल नाइट्रेट, जैसे आप कहीं भी डालो आ जाएगा तुरंत ये, सीएफसी इसमें नहीं होता है इसका, तो ये एनवायरमेंटल के इसके आपको याद रखने हैं, आप एनवायरमेंटल बॉटनी में भी इसको पढ़ते हो, लेकिन एनवायरमेंटल की ये सब चीजें अपनी लाइन टू लाइन बीओडी वगैरह ये सब चीजें बेटा प्लीज एक दो पेज है उसमें उसको कर लो, आप कोई गलत नहीं करोगे, ऑर्गेनिक का ये दावा है अपना, लेकिन इस चैप्टर से और एक डेली लाइफ भी सही कर दोगे, इस चैप्टर से थोड़ा सा ध्यान रखना है डेली लाइफ, और ये भी तुम दो दिन पढ़ लोगे, टाइम है खूब अपना आराम से, क्योंकि याद करने वाला है, इसमें दो पेज निकाला अंडरलाइन किया
अपना क्वेश्चन बनाया और वो क्वेश्चन देते रहेंगे, आपको पढ़ने पर मजबूर किया जाएगा आगे जो भी टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो इसको पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सी एफ सी। हाँ, निम्न में कौन KOH के साथ अभिक्रिया कर रासायनिक मिश्रण देता है। कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज, हम Cl को हटाएं और वहां OH लगाएं, अगर वो कायरल है तो रासायनिक मिश्रण देगा, ये कायरल है नहीं है, ये CH3H C2H5 यहां OH, ये कायरल है तो ये रासायनिक मिश्रण देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। मैक्सिमम रेसिमाइजेशन, सीएल हटा के कायरल हो और सीएल हटा के मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाए, वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रेसिमीकरण, ठीक है। अगला, मोस्ट बेसिक, अगर नॉर्मली अनुनाद नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, तो बेसिटी क्या हो जाएगी, सबसे अधिक हो जाएगी। इसमें तो सिंपल पूछा है, अब यहां और यहां में कंपेयर किसमें करेंगे, आंसर तो हो गया फोर्सिस में कोई रेजोनेंस नहीं, कंपेयर करना हो तो सबसे अधिक अभी दोनों में, इसका हाइब्रिडेशन क्या है sp2, इसका हाइब्रिडेशन sp3, क्योंकि दोनों में लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इन दोनों में करता है, तो इन दोनों में s करेक्टर बढ़ेगा तो बेसिटी कम होगी, तो यहां 4 हो गया, फिर 1 हो गया। अगर ऑर्डर पूछे, एनिलीन पायरोल में H+ डाल के देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, याद है H+, और यहां H+ डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, क्योंकि दोनों में रेजोनेंस है, जो एरोमेटिक से एरोमेटिक बना रहे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तो 3 fit 2, अगर ऑर्डर पूछे तो, और नहीं तो सीधे दिख रहा है जिसमें रेजोनेंस नहीं है, और मान लो कि कहते हो आपकी 4 और 1st सर दोनों में लोन पे रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो हमने किससे देखा, एस करेक्टर से। ये बातें इसलिए बोल रहे हैं कि क्या पता ये दोनों दे के रीजन पूछ लेगी क्यों नहीं हो रहा है, तो इसमें ये भी लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये भी लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो रीजन इसमें रेजोनेंस लोन पेयर से नहीं दोगे, किससे दोगे, एस करेक्टर से, ठीक। नेक्स्ट, तो आंसर इसमें 4। नेक्स्ट, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, बैक बॉन्डिंग इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी कार्बोकैटायन, ठीक है। यहां सिंपल अल्फा एच, यहां अल्फा, यहां बैक बॉन्डिंग, लेकिन बैक बॉन्डिंग विथ 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहां बैक बॉन्डिंग विथ 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो कौन सबसे अधिक स्टेबल होगा, 4th। अगर ऑर्डर की बात करते, अगर इसमें ऑर्डर की बात करते, हमने तो आपके पेपर कैसे आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम, अगर इसमें थोड़ा सा और टफ की बात करते, IIT में इसका ऑर्डर पूछ लिया ओ लगा के, तो हम ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, ऑर्डर पूछते तो सबसे अधिक कौन होता, 4 फिर 2 फिर 1 फिर 3, अगर ऑर्डर पूछ ले तो बेटा, लेकिन मिनट वाले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वेश्चन माने जाते हैं, ऐसा नहीं आपको अगर आ रहा है तो आप समझो कि आप बेहतर काम किया हुआ आपने, ठीक है। तो लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज, बैक बॉन्डिंग, लास्ट क्वेश्चन याद करो, बेंजीन रिंग पे एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, मेटा, दोनों एक्टिवेटिंग, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग, तो अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटिंग, हेलोजन ऑर्थो पैरा, हेलोजन एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग के अकॉर्डिंग, हेलोजन डीएक्टिवेटिंग, हेलोजन के अकॉर्डिंग। तो यहां 2 बेंजीन रिंग है, यहां CO दिख रहा है डीएक्टिवेटिंग, HCS2 दिख रहा है एक्टिवेटिंग, वेरी गुड, तो ये एक्टिवेटिंग, तो कहां होगा, ऑर्थो और पैरा, क्या पूछा है, मेजर प्रोडक्ट, तो कौन सा होगा, पैरा, तो NO2+ इसका इलेक्ट्रोफाइल होगा, कहां लेके चले जाओगे, कहां लेके चले जाओगे, CS2, ये पैरा, सेकंड आंसर हो गया, देख रहे हो ना, NO2 कहां लगा दिया, पैरा पे, ठीक है, बेहतर काम किया, काफी बच्चे मिले तो उन्होंने कहा अच्छा किया है, और जो बातें हमने कही उसको थोड़ा फॉलो करना, जो जो चीजें कह रहे हैं कि आपको इसको ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है, हाँ, जो याद करने वाली बात, और पेपर ऐसे ही आएंगे ये गारंटेड है, आप कोई उल्टा सीधा काम में मत फंसो, ठीक है। तो अच्छा किया है और अच्छा करो, ठीक है, तो चलो नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू।